हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। जानेंगे कि किस एक्टर ने कितने करोड़ की डिमांड की थी। दोस्तों, कार्स, बाइक, गन्स, फाइट और खूब सारा ड्रामा, यही चीजें हैं जो हमें रोहित शेट्टी की फिल्मों में देखने को मिलती हैं। और ये सब उनकी फिल्मों में अच्छा भी लगता है। ऐसी ही सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी 2020 में रिलीज होने वाली मोस्ट टॉकेटिव फिल्म है। साथ ही लोगों में इसका क्रेज बहुत ज्यादा है। जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो रिलीज के 23 घंटे में यानी कि 23 आवर्स में शाहरुख खान की फिल्म के ट्रेलर की ऐसी तैसी कर दी। जी हाँ, जीरो के ट्रेलर को व्यूज मिले थे 24 आवर्स में 41 मिलियन व्यूज। वहीं सूर्यवंशी के ट्रेलर को 23 आवर्स में मिले थे 41.70 मिलियन व्यूज और 24 आवर्स में 43 मिलियन व्यूज हो गए थे। दोस्तों, मूवी की बात है, जहां अक्षय ने बेल बॉटम के लिए 100 करोड़ की डिमांड की, वही सूर्यवंशी फिल्म का बजट है 140 करोड़। बात करते हैं कि किसने कितने करोड़ की डिमांड की और किसकी कितनी फीस है। सो बिगिंस विद द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी। इन्होंने इस फिल्म के लिए चार्ज किया है 10 करोड़ रुपीज। और दोस्तों, आजकल तो इन्हें अब ध्यान से देखो, इतने पैसे आ गए हैं कि इनके बाल भी धीरे धीरे वापस आने लगे हैं। नेक्स्ट, जैकी श्रॉफ। इन्होंने इस फिल्म के लिए चार्ज किया है 1 करोड़ रुपए। फिल्म का विलन सिकंदर, इन्होंने इस फिल्म के लिए चार्ज किया है 50 लाख रुपीज। निकेतन, जो कि साउथ के माने जाने विलन है, इन्होंने इस फिल्म के लिए चार्ज किया है 40 लाख रुपीज। जावेद जाफरी, इन्होंने इस फिल्म के लिए चार्ज किया है 70 लाख रुपीज। वही फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह, जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां रणवीर सिंह सिम्बा के कैरेक्टर भाले राव में नजर आएंगे, वहीं अजय देवगन वही अपने पुराने सिंघम के अवतार में नजर आएंगे। आप लोगों को बता दूं कि दोनों ने इस फिल्म के लिए कोई भी चार्ज नहीं किया है, मतलब कि नलबट्टा सन्नाटा। फिल्म की लीड एक्ट्रेस की बात करें, दोस्तों प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के बाद कैटरीना कैफ मोस्ट चार्जेबल एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। इन्होंने अपनी फिल्म के लिए यानी कि सूर्यवंशी के लिए चार्ज किया है 9 करोड़ रुपए। अक्षय कुमार, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और लीड एक्टर भी, इन्होंने इस फिल्म के लिए चार्ज किया है 35 करोड़। दोस्तों, देखा जाए तो जिस लेवल पे फिल्म को शूट किया गया है या फिर जिस तरह से इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, लोग इसे देखकर सिनेमा घरों में पागल हो जाएंगे। फिल्म में देखने वाली बात ये होगी कि कब तीनों शेर एक साथ आते हैं, यानी कि अजय देवगन, यानी कि रणवीर सिंह, यानी कि अक्षय कुमार, और कैसे ये तीनों शेर मिलकर विलेंस को क्या कहूं मारते हैं। ना, सिंपल हो जाएगा, विलेंस की मां की आंख करते हैं। ये देखना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही लोगों को इंतजार रहेगा पूरी फिल्म में भाले राव के इस डायलॉग का। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो। कब ये डायलॉग हमें फाइनली सुनने को मिलेगा? दोस्तों, फिल्म्स के डायलॉग सीन्स एपिक होने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं कि कहा जा रहा है कि ये फिल्म आने वाले समय में 500 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली। आपकी क्या राय कि फिल्म कितने करोड़ का बिजनेस करेगी? आप अपनी राय दें नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके मन में कोई सुझाव या फिर शिकायत है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम। सो स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।